हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप्स हो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और ये है ना 8 बजे का टाइम। यहाँ पे मेरा ना सारा काम हो गया है, बस थोड़ा बहुत किचन क्लीन करना रह गया है और नेगी जी को खाना देना रह गया है। तो नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, पूजा वगैरह हो गई है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि ऐसा लग रहा अभी बारिश आती अभी बारिश आती, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं आई। जब से मैं उठी हूँ ना 5 बजे से, तब से ही मौसम मुझे ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन बारिश नहीं आई बिल्कुल भी। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना ये सीधा इवनिंग की क्लिप है कि मतलब 5:30 या 6 बजे का टाइम हो रहा होगा यहाँ पे। तो शाम के लिए मैं यहाँ पे ना सब्जी काट रही हूँ, और सब्जी काटने के बाद ना मैं सबके लिए नहाने के लिए पानी भरूंगी, एक्सरसाइज करूंगी और उसके बाद नहाने की तैयारी करूंगी। फिर शाम की दिया बाती करती हूँ और थोड़ा सा छत में वॉक भी करती हूँ। तो जिस तरह से टाइम रहता है उस तरह से मैं काम को मैनेज करती हूँ। अगर टाइम ज़्यादा रहता है तो पहले मैं वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। और अगर कम टाइम रहता है तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर वॉक करने के लिए जाती हूँ। लेकिन छत में जाती ज़रूर हूँ मैं 10-15 मिनट शाम की हवा लेने के लिए और वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं आज काट रही थी कद्दू की सब्जी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बिग बॉस भी देख रही हूँ। तो बिग बॉस मैंने चला के रखा रहता है और साथ में मैं और काम भी करती रहती हूँ। यहाँ पे खुला एरिया है तो यहीं पे जैसे सब्जी काटना और मेरा किचन और ये वाला एरिया ना मतलब ओपन है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे बिग बॉस भी देखती रहती हूँ और अपना साथ साथ काम भी करती रहती हूँ। जैसे स्टिचिंग हो गया, चॉपिंग हो गया, जो भी मुझे काम करना होता है तो वो मैं करती रहती हूँ। इस तरह से मेरे दो दो काम हो जाते हैं। तो रेजी ट्यूशन से आ चुका था तो वो पानी पी रहा था और बोल रहा, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है फिर चले जाओ, तो वो खेलने चला गया था उस। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का 6:15 हो रहे हैं और मैं एक्सरसाइज करके अभी अभी जस्ट नहा के आई हूँ। और ये देखिए, मैं बिग बॉस देख रही हूँ साथ में। यहाँ पे बिग बॉस लगा रहता है तो आते जाते इधर उधर मतलब आवाज़ आती रहती है, तो लगा ही रहता है यहाँ पे। और रेसी जा रखा था ट्यूशन, जो कि रेसी भी आ गया है। वो देखिए किचन में दूध गर्म कर रखा, उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा। पी लो, कुछ खा लो, उसके साथ खेलने जा रहे हो। अच्छा, तो फ्रेंड्स मुझे जाना है यहाँ पास में दुकान में और कुछ सामान लेके आना है। उसके बाद थोड़ा देर छत में वॉक करूँगी और फिर करूँगी पूजा। और अभी अभी नहा के आई हूँ, ये देखिए पसीना फिर से हो गया है और ऋषि तो नहा ही गया है, पसीने में ऋषि देखो। फिर भी नहा जाना ज़रूरी है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना तो आपको भूल ही गई हूँ। सुबह जो कल आपको जो ब्लॉग मिला होगा ना, उसमें आपने देखा होगा मैं इस कुर्ती को मतलब ये गाउन था तो गाउन को मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी। फाइनली मैंने ये ठीक कर दिया है। बाजू मैंने इस तरह से बना दिए हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लाइनिंग ना पहले से ही लगी हुई थी और ये इस तरह की मैंने स्ट्रेट कुर्ती बना दी है। देखिए इस तरह की स्ट्रेट कुर्ती बना दी है और इसके बाजू जो है इस तरह से बांधने के लिए बना दिए हैं। यहाँ पे 3/4 बाजू बना दिए हैं और यहाँ पे बांधने के लिए ये रिबन टाइप बना दिए हैं, उसी पे कट करके। और अब ये घर में पहनने के लिए मतलब रेडी है, तो घर में मैं इसको पहन सकती हूँ। नहीं तो गाउन ना घर में नहीं पहना जा रहा था, एकदम फ्लॉटस था। फ्लॉटस भी ऐसा था, लाइनिंग इसकी घुटने तक थी और बाकी नीचे ट्रांसपेरेंट था, तो अच्छा सा नहीं लग रहा था वो। तो अब इसको चाहे तो थोड़ा मतलब इधर उधर भी ले जा सकती हूँ। इधर उधर क्या मतलब, सब्जी उब्जी के लिए जाती हूँ जैसे वैसे ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं इसको घर में ही पहनूंगी। लाइनिंग वाले सूट ना बहुत गर्म होते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादातर गर्मियों में ना कॉटन के सूट पहनती हूँ या टी शर्ट लोवर ही पहनना पसंद करती हूँ। तो कैसा लग रहा है ये बताइएगा। तो मैंने सोचा चलिए घर में ही पहनना है तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। और ये क्या लग गया, पानी लग गया है, ये अभी मैंने पानी भरा था तो इसमें पानी के दाग लग गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस यहाँ पर कि ना दूसरी लाइट भी बाल दी है और ये देखिए इस तरह से बना दी है मैंने। ये स्ट्रेट कुर्ती बना दी है, ये बांधने के लिए बना दी है। यहाँ पे 3/4 कट लग रखा है यहाँ पे एक छोटा सा, ये देखिए, और इस तरह से बांधने के लिए बना दिए हैं। मतलब अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा और मतलब सिंपल सा नहीं लग रहा। और नीचे तो सिंपल ही है, इतनी इस पर लाइनिंग है, स्ट्रेट कुर्ती बना दी है। तो अब मैं इसको घर में भी पहन सकती हूँ और काफ़ी लंबी है, अच्छा है, तो इससे ना जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं।
मुझे थोड़ा सा और कट करनी चाहिए थी, ज़्यादा लंबी हो रही है, बट चलेगी, हल्की फुल्की है, बिल्कुल हल्की जॉर्जेट की है। गाउन भी पहनने के बाद तो अच्छा लगता था, और कलर ना इसका बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन कलर मुझे अच्छा लगता है। और आज अब सावन भी आने वाला है ना, तो मैं एक दिन पहनूंगी सावन में इसको, मंडे को अच्छा लगेगा। ये देखिए रेड कलर की लेगीज के साथ पहनूंगी ना तो अच्छा लगेगा। पहले मैं सोच रही थी इसके ना जो ये चाक है ना, इनमें मैं वो लगा देती हूँ, गोल्डन कलर की लेस लगा देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा ना मेहनत क्यों करनी, इतनी अच्छी भी नहीं है कि इतनी मेहनत करूँ इस पर, तो मैंने ऐसे ही बना दिया है। जो फ्रेंड्स उस दिन मैं मार्केट से सूट लेके आई थी ना थान का, वो सूट भी मैंने कटिंग करके रख दिया है, उसका सलवार कट करके रख दिया है। अफगानी बनाऊंगी, और पहले सोच रही थी प्लाजो बनाऊं, फिर मैं प्लाजो ना जब घर में पहनो तो कंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन जैसे पानी वगैरह का काम करो कपड़े वगैरह धोने का ना, तो बार बार नीचे मतलब लगता रहता है। तो इस वजह से मैंने बनाई है अफगानी, और उसके साथ के नायरा कुर्ती बनाने की सोच रही हूँ। अभी पता नहीं सिंपल बनाती हूँ या नायरा बनाती हूँ। तो चलिए बताइएगा ये कुर्ती कैसे लगी आपको। बाकी मैंने कुछ स्पेशल ज़्यादा कुछ किया नहीं, बाजू कट करे, बाजू का जो डिज़ाइन था, बाजू भी इसके इतने लंबे थे ना कि जितनी लंबाई मेरे बाजू की उसकी डबल थी, और कट था उसमें लंबा सा। तो ये कैसा लगा, मतलब इस कुर्ती का मैंने लुक चेंज किया तो आपको कैसा लगा? पहले गाउन ज़्यादा अच्छा लग रहा था या अभी स्ट्रेट कुर्ती ज़्यादा अच्छी लग रही है, बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको बाद में, थोड़ा सा मैं सामान लेके आ जाती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं छत में गई थी थोड़ी सी वॉक करने के लिए और हवा खाने के लिए, लेकिन एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। बिल्कुल ऐसे हो रखा था ना मौसम, जैसे कि पता नहीं, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, सारी हवा मतलब थम सा गया है सब कुछ, ऐसा लग रहा था। तो फिर मैं नीचे आ गई, थोड़ी सी हवा खाई पंखे की, और उसके बाद लग गई किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। और ये ना होली के चिप्स रह गए थे, तो वो ही मैंने आज देखे थे तो तल दिए, और कद्दू की सब्जी बनाई, आटा लगा के रख दिया है। यहाँ पे ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, और निगी जी ने बोला मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, तो मैंने रोटी बना के ऋषि को खिला दिया था, और निगी जी आए थे 9:30 बजे के करीब। तो चलिए फ्रेंड्स साथ ही इस ब्लॉग का ना एंड करते हैं, मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।